है कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इस साल मध्य प्रदेश बोर्ड एमपी बोर्ड दसवीं की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। आपको बता दें बारहवीं बोर्ड की परीक्षाएं आगामी आदेश तक के लिए स्थगित की जाती हैं। कोरोना संक्रमण सामान्य होने की स्थिति में इन परीक्षाओं के आयोजन की सूचना 20 दिन पहले दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शुक्रवार शाम आदेश जारी करते हुए बताया कि कोरोना काल में छात्रों के एक स्थान पर जमा होने से उनके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। दसवीं के जो रेगुलर छात्र हैं उनके छमाही नतीजे, यूनिट टेस्ट और प्री बोर्ड के नंबरों का एवरेज निकालकर रिजल्ट बनाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें छात्रों को न्यूनतम उत्तीर्ण अंक यानी 33 अंक देकर पास किया जाएगा। इसके बाद भी यदि वो नंबरों से संतुष्ट नहीं होंगे तो वो अगली परीक्षा दे सकेंगे। तो एमपी बोर्ड ने दसवीं की परीक्षा आयोजित करने से इंकार कर दिया है, परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। वहीं बारहवीं बोर्ड की परीक्षाएं आगामी आदेश तक के लिए स्थगित की गई हैं। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया। खबर भोपाल से, जहां नवीं और ग्यारहवीं के आज परिणाम आ सकते हैं। विभाग ने रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। आपको बता दें नवीं और ग्यारहवीं के छात्र अगली क्लास में प्रमोट हो सकेंगे। प्रमोट करने के लिए डिटेल इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी जारी किया गया है। आपको बता दें विभाग ने रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। नवीं और ग्यारहवीं के आज परिणाम आएंगे, तो नवीं और ग्यारहवीं के छात्र अगली क्लास में प्रमोट किए जाएंगे। साथ ही डिटेल्ड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी छात्रों का जारी किया गया है।